बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध हार्डलाइन विद शामराज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं सिंध वॉच। सिंध में क्रम बाबरवरी का रुझान पाकिस्तान के दीगर सूबों से ज्यादा है। सिंध में सूबे के तकरीबन मामलात वो लोग चला रहे हैं जो गैर मुंतखब हैं, या ये कहें कि जिनका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से है ही नहीं। अक्रम बाबरवरी को मजीद तकवीत देते हुए सिंध असेंबली में आज एक बिल पेश हुआ, जिसके बाद एक कानून बनेगा जिसमें सिंध के तमाम यूनिवर्सिटीज के मामला देखने के लिए और वाइस चांसलर मुकर्रर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी के सरबराह पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाने वाले डॉक्टर आसिम होंगे, जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के साथ साथ दहशत गर्दों को पनाह देने और इलाज करने के केसेस भी है। डॉक्टर आसिम कोई तालीमी माहिर नहीं, ना ही उनका प्रोफाइल इस मयार का है कि उन्हें ऐसे ओहदे पर फायज किया जाए। उनके पास ऐसी कोई अहम डिग्री भी नहीं, ना ही वो कोई पीएचडी होल्डर है। वियना से एक इंतहाई मामूली डिप्लोमा करने के बाद पीपल्स पार्टी की नजर में सिंध के सबसे बड़े दाना या पॉलिसी साज समझे जाने वाले डॉक्टर आसिम इस ओहदे के लायक ही नहीं। जराए के मुताबिक जरदारी फैमिली से वफादारियों की बुनियाद पर वो अहम समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिम सिंध हुकूमत चलाने वाले गैर मुंतखब लोगों में सबसे अहम मकाम रखते हैं। डॉक्टर आसिम पर सिंध हुकूमत की मेहरबानियों की फहरिस्त इंतहाई तवील है, जिसमें से कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर आसिम बिना किसी इलेक्शन लड़े सिंध की अहम कमेटीज में मेंबर और चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे। पार्टी की अक्रबा परवरी को देखें तो इस वक्त डॉक्टर आसिम पिछले कई सालों से सिंध हेक के चेयरमैन हैं, और उनके बीवी सुमेरा हुसैन को बिना किसी एहलियत के मोहतरमा नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सखर का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया था। दूसरी जानिब सिंध भर में बाशऊर लोग, सिविल सोसाइटी, तुलबा और वकला इसी मामले पर काफी बरहम नजर आए, और कल से ही सोशल मीडिया पर एक बहस का आगाज हुआ है जो डॉक्टर आसिम और इस किस्म की अक्रबा परवरी के खिलाफ तहरीक बन सकता है। यानी सिंध में मेरिट की तकाजा ये है कि आपकी उस हुक्मरान जमात की सरबराह फैमिली के साथ ताल्लुक होना चाहिए, या आप उनके वफादार हों, तब ही आप किसी अहम ओहदे पर पहुंच सकते हैं। आप अहल हो या ना हो ये मैटर नहीं करता।